हिंदुस्तान के सामने दो तीन बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का और महंगाई का। जो रोजगार देने का सिस्टम है, वो जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, वो लोग देते हैं रोजगार। जो अरबपति होते हैं, तीन चार अरबपति हैं हिंदुस्तान में, वो रोजगार नहीं देते। और जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की और जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की, तो जो छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और सच्चाई आज ये है कि देश अगर चाहे भी अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। तो सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने ये है। दूसरा मुद्दा महंगाई है। इंटरनेशनल मार्केट पे पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर जाएं या नीचे जाएं, हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर ही जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम गिर जाएं, मगर उसका फायदा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को नहीं मिलता। फायदा तीन चार बड़े उद्योगपतियों को मिलता है। आपको याद होगा यूपीए के समय पेट्रोल के दाम 60 रुपए के थे, याद है आपको? याद है? ठीक है, 60 रुपए के थे। आज क्या है? आज 107 रुपए। तो आपको यह सवाल पूछना है कि जो पैसा है, जो आपके जेब में से निकल रहा है, ये कहां जा रहा है, ये किसकी जेब में जा रहा है? ये सब व्यापारियों के जेब में नहीं जा रहा, क्योंकि जीएसटी नोटबंदी ने व्यापारियों के जेब में से पैसा निकाला। ये चुने हुए दो तीन पांच लगा लो, ये चार पांच उद्योगपति हैं हिंदुस्तान में, इनको सब एयरपोर्ट मिलते हैं, रेलवे जिनको मिलेगी, बीएचईएल, एचईएल, ये सब जो सरकारी कंपनियां एक एक करके इनको मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ये करते हैं, अनाज का स्टोरेज का काम ये करते हैं, बिजली का, पावर जनरेशन का काम ये करते हैं। तो सारा का सारा फायदा इन्हीं चार पांच लोगों को जाता है। आजकल प्रधानमंत्री जी सेना की बात करते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सारे के सारे इन्हीं चार पांच लोगों को जाते हैं। तो पूरा का पूरा फायदा चार पांच लोगों को हो रहा है। वो लाखों करोड़ रुपए कर्जा ले सकते हैं, उनका एक सेकंड में कर्जा माफ हो जाता है। और अगर हमारा किसान 50,000 रुपए का कर्जा माफ करना चाहे, 1,00,000 रुपए का कर्जा माफ करना चाहे, तो ये लोग उसका कर्जा नहीं माफ कर सकते।